आज हमारे पास आई है न्यू फॉर्चुनर, राजस्थान अलवर से आई है, जिसके अंदर हम ऑडियो काफ़ी हाई एंड अपग्रेड कर रहे हैं। वो सारा हमारा ऑडिशन रहने वाला है। फ्रंट हम कंपोनेंट लगा रहे हैं, रियर हम क्वाइजर लगा रहे हैं, और एक्टिव वूफर लगा रहे हैं, और एक 8.9 लगा रहे हैं जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा रहता है 8.9, ये हमारा 8.9 है, ये हमारा 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल DSP है, और ये हमारा क्वाइजल स्पीकर जो रियर डोर में लगा रहे हैं, और ये हमारे फ्रंट डोर में ये हमारे रहने वाला आपका कंपोनेंट, और ये हमारा एक्टिव सबवूफर रहने वाला है जो 800 वाट की है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हम सारा फॉर्च्यूनर लगा रहे हैं। हम 8.9 इसलिए लगा रहे हैं कि आगे हम एक्टिव कर रहे हैं और पीछे भी मतलब एक्टिव भी कर रहे हैं, तो हमारे पास दो चैनल बचेगा। तो कल को हम इसके अंदर 3 वे की मिड रेंज डालेंगे, अभी नहीं डाले, हमारे पास इस टाइम की दिक्कत था, तो इसलिए पिलर तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे फाइबर से खुद बनाने पड़ते हैं। गाड़ी का 2 बजे आई थी, इनको एक दिन में गाड़ी चाहिए थी, इसलिए हम पिलर कोड नहीं बनाए। तो अगली बार हम इसको आगे 3 वे लगाएंगे, और पीछे जो हमारा कोएक्सियल स्पीकर है वही रहेगा, इसीलिए हमने इसको 8.9 लगा दिए कि हमारा आगे भी एक्टिव रहेगा, पीछे भी एक्टिव रहेगा। आगे 3 वे एक्टिव और पीछे आपका जो कोएक्सियल स्पीकर एक्टिव, और सब वूफर आपका एक्टिव विद एम्पलीफायर है। मतलब एक्टिव वूफर का मतलब विद एम्पलीफायर है, हमें मोनो एम्पलीफायर लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। बस इसके अंदर हम एक 8.9 लगा रहे हैं जो हमारा 8 चैनल एम्पलीफायर है, और 9 चैनल DSP है। जो हमारा 9 चैनल DSP है वो हमारा इसके अंदर RC लीड आउट आ जाएंगे। हम इससे ही मतलब जो सेटिंग होगा हमें DSP से सेटिंग करेंगे सारा फ्रीक्वेंसी। हमें इसमें DSP की जरूरत है, ना कोई एम्पलीफायर की जरूरत है। जो आपके लोग सामने दिख रहे सामान, बस इतना ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें फ्रंट में 2 वे बता दिया आपको सबवूफर, और ये तो सारा हम एक्टिव सेटअप कर रहे हैं। तो हम चलते हैं गाड़ी में, आपको सारी चीज़ बताते हैं कि गाड़ी क्या है। तो ये आपके राजस्थान नंबर गाड़ी, आप लोग देख भी सकते हैं, न्यू फॉर्चुनर। आ चुके हम गाड़ी के पास। आप लोगों को डैम्पिंग अंदर नहीं दिखाया मैंने, जो बाहर हमने डैम्पिंग डबल लेयर की है, हमें डैम्पिंग रहने वाली STP की 2.1। तो जो आपका इसमें डैम्पिंग है वो डबल लेयर करी है। आप डैम्पिंग आप लोग देख सकते हैं, डैम्पिंग से क्या फर्क आता है, ये बिना डैम्पिंग की है और ये डैम्पिंग है। तो जो डैम्पिंग से हमारा क्या होता है कि एक तो रोड नॉइज काफ़ी कम आती है, जो स्पीकर की आउटपुट है काफ़ी 50% फर्क आ जाती है। अगर हम बिना डैम्पिंग के करते थे स्पीकर लगाते हैं, तो अगर आउटपुट कंपेयर करोगे तो 50% का फर्क है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पूरी गाड़ी साइलेंट हो जाती है, मतलब ऐसे लगेगा भाई भाई स्पोर्ट्स कार में बैठ रहे हैं। तो डैम्पिंग तो सबसे जरूरी चीज़ है कि भाई डैम्पिंग तो मतलब करवाओ। इसमें हमें फ्लोरिंग छत नहीं की है, हम पहले फॉर्चुनर कर रखे हैं, उसमें हम फ्लोरिंग भी कर रखे हैं, छत भी कर रखे हैं। इसमें अभी हमने डोर किए हैं, डिक्की करी है, अभी हमारे टाइम की दिक्कत है, इसलिए हम फ्लोरिंग छे रहे हैं इसकी। और आप लोग देख सकते हैं डबल डैम्पिंग करी है, जो एक डैम्पिंग अंदर है एक बाहर है। और ये हमारा जो आपको कंपोनेंट दिखाया था, ये हमारा 6 इंच का मिडवेस रहता है जो अच्छे सीरीज का है। इसके पीछे वाटर गार्ड लगाया, इसके पीछे फोमिंग टेप लगाया और स्पीकर इंस्टॉल कर दिया। इसके क्या होता है कि जो फोमिंग टेप लगाते हैं उससे मतलब कई तरह से कोई लीकेज आए, उससे मतलब प्रॉपर स्पीकर की फिटिंग अच्छे तरीके से आ जाती है। और जो हमारा ट्विटर रहने वाला जो स्टॉक लोकेशन है, उसी पर ट्विटर लगाए, आप लोग ट्विटर भी देख सकते हैं। मतलब फिटिंग बहुत ही अच्छी आई, गजब की फिटिंग है। तो मतलब सारा ऑलमोस्ट हम सारा फिटिंग कर ही दी है। अब आप लोग को दिखाते हैं 8.9, 8.9 देख सकते हैं, ये लिखा हुआ 8.9। ये हमारा रहता है 8 चैनल एम्पलीफायर, 9 चैनल DSP। इसके अंदर आप आगे 3 वे एक्टिव चला सकते हो, आप इसके अंदर आगे 3 वे एक्टिव चला सकते हो, और पीछे क्वाइजल स्पीकर लगा सकते हो। अगर आपको आगे पीछे एक्टिव चाहिए, आप 2 वे पीछे एक्टिव कर सकते हो, और रियर भी आप 2 वे एक्टिव कर सकते हो। और ये 9 चैनल DSP है, इससे क्या होता है कि हमें जो हम सब वूफर लगा रहे हैं उसको भी आउटपुट हमारे यहीं से मिल जाता है, जो 9 चैनल DSP है। जो हमारे पास 1 चैनल DSP रहता है, उससे हम वूफर को आउटपुट देते हैं, जो RC लीड है, और उससे हम सारा फ्रीक्वेंसी अपना लैपटॉप से सारा सेटिंग कर लेते हैं कि वूफर में क्या फ्रीक्वेंसी देना है, क्या सेटिंग चाहिए, सारा सेटिंग मिल जाता है। इक्विलाइजर की बात करेंगे, टाइम एलिमेंट की बात करो, मतलब जो मतलब सारी सेटिंग है, ऑलमोस्ट गेनिंग की सेटिंग, सारा सेटिंग हो जाता है। जैसे हमें स्पीकर की सेटिंग मिलती है, उस तरह हमारे वूफर की सेटिंग मिल जाते हैं। इसीलिए हमने 8 चैनल एम्पलीफायर, 9 चैनल DSP लगाया। अगर नॉर्मली बेसिक में लोगों का जैसे आगे पीछे स्पीकर हम जहाँ 6 से 8 स्पीकर लगाते हैं, तो हम 8.9 ही लगाते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको 1% की हविंग की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई इंडिकेटर की, रेस की। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम स्टॉक एडवेंट पर करते हैं तो अलग से DSP लगाते हैं और एम्पलीफायर लगाते हैं। अगर पैसिव सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हल्की सी सी की आवाज़ आती है, कि जो आपका स्टॉक एडवेंट की वजह से आती है, लेकिन 8.9 के अंदर वो भी आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल 1% की भी, बिल्कुल आपको साइलेंट गाड़ी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है इसके अंदर। नहीं तो कई गाड़ी हम फिटिंग करते हैं, अर्थिंग नहीं कहते उसको, लेकिन
1% की आपकी मतलब कि इस हिसाब से आवाज आती है ट्विटर से, क्योंकि जो स्टॉक एमिट है, लेकिन ये डीएसपी ऐसे है कि इसमें बिल्कुल जीरो है, मतलब एक कोई चीज की आवाज नहीं, मतलब अर्थिंग मतलब कोई भी बात कर ले किसी चीज की बिल्कुल भी आवाज नहीं, बिल्कुल गाड़ी आपको आवाज स्पीकर बिल्कुल साइलेंट मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर हमें आरसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर हम जैसे क्या करते हैं, अगर आपकी गाड़ी के अंदर 6 चैनल की इनपुट है तो 6 चैनल की इनपुट डाल सकते हैं, अगर 4 चैनल की इनपुट है तो 4 चैनल की इनपुट डाल सकते हैं। जैसे कि चलो अगर हमारे पास किया सेल्टोस है, नई वाली क्रेटा है, उसके अंदर 6 चैनल है, 6 चैनल है, तो हम 6 चैनल भी इनपुट देने के इसमें ऑप्शन है, लेकिन हमारे फॉर्चुनर में अंदर बस 4 चैनल का इनपुट मिला है, तो हम रियर और फ्रंट डाल दिए। आप बैलेंस भी आप लोग को चेक करूंगा कि यहाँ से आप बैलेंस भी कर सकते हैं, रियर लैप सॉरी फ्रंट लैफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट, मतलब एक एक चीज़ आपको कंट्रोल वहाँ से हेड माउंटेड भी कर सकते हैं। लेकिन सारे सेटिंग हमने डीएसपी ही से किए हैं, उससे क्या होता है कि भैया यहाँ से हम सारा चीज़ जैसे कि हमारा ट्रैवल है, वोकल है, बेस है, हम यहाँ से बिल्कुल हेड माउंटेड से फ्लैट कर देते हैं। जो सेटिंग करनी है हम इसके अपना क्या कहते हैं, जो हमारा ये डीएसपी है, हम लैपटॉप कनेक्ट करके सारे डिस्प्ले आ जाते हैं हमारे लैपटॉप में, आगे में क्या चाहिए उस हिसाब से हम सेटिंग कर लेते हैं। हम लैपटॉप मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, सारे सेटिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या है। इसीलिए हमने इसमें 8.9 लगाए कि गाड़ी काफ़ी दूर से आती है, जैसे अभी चंडीगढ़ की गाड़ी बनाए थे मैंने, ये भी अलवर राजस्थान से आई है, कि मतलब कल को कोई दिक्कत ना हो, कि परेशान ना हो कि इतने दूर से आ रहे हो। इसीलिए भैया एक एम्पलीफायर के अंदर 2 हमारे 4 चैनल मिलते हैं और 9 चैनल डीएसपी मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वायरिंग की सेफ्टी है, मतलब कि कोई उलझन नहीं है बिल्कुल, मतलब कि वायरिंग हमारे काफ़ी कम लगती है इसके अंदर। पावर केबल की बात करें 2 फीट कम लगती है, और इसके अंदर बात करें कि मतलब कोई उलझन वायरिंग नहीं होती, कि मतलब कि जब तक गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह से, अर्थिंग की आवाज़ कोई तार लूज कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट कुछ भी 1% की कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, मतलब आराम से। अगर कोई मतलब कि आउटपुट की बात करें तो ये जो RMS है 85x8 है, अगर हम बात करें तो 85x2 पर स्पीकर बहुत होता है। आप लोग को लगेगा भैया नहीं 100 RMS 150 RMS होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्टिव पे जाते हैं तो 85x2 बहुत है। अगर 85 RMS भी पर चैनल है तो बहुत है, कोई से भी स्पीकर चला सकते हो, कोई से भी ट्विटर चला सकते हो, कोई से भी मटेरियल चला सकते हो। तो अगर आप लोग को जैसे एक्टिव की है कि भैया मुझे एक्टिव करना है, तो मैं सबसे अच्छा बोलूँगा भैया 8.9 लगाओ, कि 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल डीएसपी है, पावर भी काफ़ी पावरफुल है, 85x8 मतलब काफ़ी पावरफुल है, कोई सा भी स्पीकर चला सकते हो। ये नहीं कि हमें भैया इससे ऊपर लगाना कुछ करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को जाए स्पीकर मतलब कि आगे 2 बे की है, कि मुझे भैया अभी मैंने जैसे एंडेवर में लगाया था 16 स्पीकर लगाए, उसके अंदर हमें क्या करना है अलग अलग एम्पलीफायर लगाने पड़े, लेकिन इसके अंदर हमें क्या है कि भैया फ्रंट 3 वे करने, कल को जाके अभी तो हमने 2 वे लगाए और पीछे कोएक्सियल लगाए, तो उसके लिए सब मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों को मैं सारा वायरिंग भी दिखा देता हूँ, जो वायरिंग भी है नहीं कि भैया यहाँ से कुछ और अलग से कुछ है। सबसे पहले ऊपर से फिनिशिंग दिखाऊंगा वायरिंग का, कि एक एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग, कि मतलब कभी भी कोई कॉपर कहीं से कोई तार लीकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा कपलर बाय कपलर है। ये हमारा जो स्पीकर आउट के रहने वाला है, हमारा स्पीकर के इनपुट की तार है ये, जो हमारा आता है क्या कहते हैं आपको स्पीकर से आती है, इसमें इनपुट की भी तार भी है। मैं 1 2 3 4 5 6 इसमें हमें 6 चैनल मिलते हैं, जो आप लोग को बताया था इसके अंदर आप लोग देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कि जैसे किसी गाड़ी में बॉस के सेटअप लगा हुआ था, प्रॉपर इसके अंदर इनपुट उठा के दे सकते हैं कि भैया सब ऊपर चले, रियर से रियर चले और फ्रंट से फ्रंट चले। तो और ये हमारा रहने वाला जो ये छोटा वाला जैक है, ये हमारा रहने वाला रिमोट इन और आगे रिमोट आउट देता है। और बेसिकली चीज़ इसके अंदर सबसे बेटर चीज़ क्या है कि आप लोग को एक चीज़ और भी है कि आजकल के जितने भी गाड़ी में है हेड माउंट में, जैसे कि टाटा सफारी मान लो, आप जैसे कि नई वाली स्कॉर्पियो मान लो, XUV मान लो 700 जो आती है, इनके हेड माउंट में आउटपुट काफ़ी मतलब अच्छी नहीं आती है। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि DRC लगाने पड़ते हैं, बिकॉन लगाने पड़ते हैं, तो कई DSP में प्रोसेसर में ऑप्शन नहीं होते। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका बिकॉन भी लगा सकते हैं, DRC भी लगा सकते हैं, कोई अलग से खर्चा नहीं है, बस इसके अंदर सारी चीज़ दी हुई है। आप बिकॉन भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप DRC भी लगा सकते हैं, कि आपको अगर आउटपुट A1 की चाहिए, मैं ये बोलूँगा जो आप पायनियर सोनी JVC केनवुड जिस हेडफोन पे आपने सुने होंगे, उससे बेटर आपके बिकॉन से आउटपुट आती है, तो आप इसके अंदर बिकॉन भी ऐड कर सकते हैं। तभी मेरे पास बिकॉन नहीं है, थोड़ा बिकॉन का शॉर्टेज है, तो अगली बार जब हमारे भैया आएंगे तो हम बिकॉन भी ऐड करेंगे, DRC चेंज करेंगे। DRC हमें रिमोट कंट्रोल मिलता है, अभी मेरे पास है ना, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। DRC से हमें ये होता है कंट्रोलर मिल जाता है, कि कल को हमें अगर हेड माउंट से भी चला सकते हैं और डायरेक्ट फोन बिकॉन से भी चला सकते हैं, वहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं, वहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं
और वहां से हम मोड भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम फोन से सुनना हो, हमें हेडफोन से सुनना हो, तो हम उस हिसाब से सारे चेंजिंग कर सकते हैं। जिसके अंदर सारे फीचर है कि मतलब एक चीज की कमी नहीं कि भाई एक चीज की कमी है, मतलब सारा ऑप्शन कंपनी दी हुई है। बिकॉन का लो, DRC का लो, तो मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे जो हमारा जो बिकॉन लगाते हैं, हम ये ऑप्टिकल इन लिखा हुआ है, तो जो ऑप्टिकल इन लिखा हुआ है इसमें हमारे DRC का ऑप्टिकल की वायर है, ये इन में चली जाती है। जो हमारा DRC की बात करो, जो डिस्प्ले आती है हमें मोड चेंज करने के लिए, DRC लिखा हुआ है यहाँ आपका, प्रॉपर DRC का कंट्रोलर लग जाता है। और जो आपकी वायरिंग की बात करें, हमें इसके अंदर एक RC लगानी पड़ी, बस एक RC लीड है जो हमारा सबवूफर की है। आप लोग को ये भी दिखाता हूँ, ये नीचे देख सकते हैं सबवूफर आउट लिखा हुआ है, ये सबवूफर आउट लिखा हुआ है, ये हमारा बूफर के लिए कि जो यहाँ से हमारा आउटपुट बूफर आउट पे जा रहा है। और बात करें नीचे की, तो आप लोग ये भी देखा तो मैं, स्पीकर की है 8 तार जो हमारा फ्रंट और रियर में जा रही है, तो ये देख सकते हैं आपको एक लोग में कहीं भी वायरिंग के कोई गुलजन नहीं, बिल्कुल सेपरेट है। जो हमारे भैया भी कहीं से काम करवाए थे, भी परेशान था कि यार कोई ना, मतलब बहुत सारी आवाज़ आ रही है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, तो मुझे क्या करवाना है। इनके उस हिसाब से मैंने जो इनका पुराना सामान लगाया हुआ था उसको उतार के फिर मैं अपने हिसाब से मैंने बोला भैया कि ये चीज़ अगर इसमें ये चीज़ करवाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, तो उन्होंने यही बोला है कि जो आपको सही लगे वो कर दो। तो मैंने अपने हिसाब से यही बताया कि भैया आप आगे अभी कंपोनेंट लगा लो, पीछे कोएक्सियल लगा लो, और कल को इसके अंदर हम मिड रेंज ऐड कर देंगे, उससे काफ़ी हमारा आउटपुट बेटर हो जाएगा। तो जो चीज़ मैंने अंदर दिखाई दिया वो फ्रंट कंपोनेंट, पीछे कोएक्सियल और सबवूफर एक्टिव। एक्टिव सबवूफर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर साथ जो ऑडिशन के हमारा 808 की है, इसके अंदर कंट्रोलर भी है कि हम आगे से बूफर भी हमारा जितना चाहिए सारा कंट्रोल कर सकते हैं। बात रहेगी फ्रीक्वेंसी की, तो सारा लैपटॉप से सेटिंग कर लेते हैं कि भैया हमें कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है, सारा फ्रीक्वेंसी सारा मतलब चीज़ हम लैपटॉप से सेट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो बूफर के अंदर है, बूफर फ्लैट करके रख लो, 300 किलो तक की बेट आप इस पे रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से भैया कहते हैं 300 किलो तक की बेट रख सकते हो, अगर टूट गई फूट गई तो मेरी गारंटी है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें स्टैंड दी हुई है, तो मैं आपको सबवूफर भी दिखाऊंगा कि सबवूफर के अंदर स्टैंड है, आप बूफर फ्लैट करके रख के उसके अंदर सामान वामान भी, कहीं आप घूमने जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो आपको इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे सबवूफर है, कोई सामान रखने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबवूफर के अंदर भी काफ़ी मतलब कि सामान बिल्कुल आपको फ्लैट दिखेगा, ऐसे लगेगा कि बूफर नहीं है, मतलब कम हाइट लेती है, जगह भी कम लेती है। जो आउटपुट की बात करें, मतलब आपको बिल्कुल तसल्ली आ जाएगी, इतनी बेस है इसके अंदर। तो मैंने इसीलिए मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, ये नहीं कि भैया छोटी सी बेटी है बेस आएगी कि नहीं आएगी, बेस प्रॉपर आ रही है। तो मैं आप लोग को सुनाऊंगा भी कि सबवूफर की आउटपुट क्या रहा है, स्पीकर क्या रहा है, तो आप लोग सुन के जरूर बताना। अगर आप लोगों को कुछ लगे 19-20 तो आप लोग कॉम्प्लेंट जरूर लिखना कमेंट में कि भैया ये चीज़ तुमने दिक्कत की है, गलत की है। तो मैं अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता हूँ, अगर आप लोग को लगे तो आप लोग कॉमेंट में लिख सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं सुधार करूँगा। लेकिन आप लोग को सारा चीज़ दिखा दिया, मैं आप दिखाता हूँ सबवूफर जो हमने पीछे प्लगइन पे लिया है, वूफर भी आपका। तो आ जाते हैं, डिग्गी खोल लेते हैं इसकी, ये हमने डिक्की हो गया हमारा ओपन। जो चीज़ मैं आप लोग को बताया था अभी, यहाँ थोड़ा सा रोशनी की दिक्कत है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ लाइट की दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी वायरिंग, जो वायरिंग की है इस पर भी प्रॉपर स्लिप चढ़ाया करी है। एक इन्हें भैया की जो चीज़ दिख, ये देखो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सारी वायर पर हमने स्लिप चढ़ाई है कि सारे अंदर ग्राउंड करी है, और बिल्कुल आप एक साइड ऊपर रख सकते हैं। और जो अभी स्टैंड की बात करें, भैया स्टैंड लगा के देखो, जैसे आपके बूफर हम ऐसे रख सकते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप, ये बूफर आपका ऐसे आ गया ऑडिशन का, और इसके ऊपर आप जैसे मर्जी जितना मर्जी सामान रख सकते हैं। और बात रहेगी फ्रंट से, मैं फ्रंट के दिखा रहा, तो आपका ये रहता है हमारा ऑडिशन का जो सबवूफर है, आप लोग देख सकते हैं जाली लगी हुई है। अभी इसके अंदर हमने स्टैंड नहीं लगाया, चारों कोने पर आपके स्टैंड लग जाता है, स्टैंड लगा के हम बूफर को फ्लैट कर देते हैं। आप लोग को वायरिंग भी चेक कर लो, ये हमारा बेस नॉब कंट्रोलर की तार है, ये हमारे RC लीड है, ये हमारी ग्राउंड वायर, ये रिमोट वायर, ये आपका जो डायरेक्ट बैटरी से आ रही हो, अगर कल को आपको निकालना है ये भी बिल्कुल आसान है। ये नहीं कि भैया क्या चीज़ लगा लिए, ये बिल्कुल प्लेगन प्ले, ये आपकी वायरिंग निकल गई, ये वायरिंग निकल गई, ये हमारा बॉक्स आ गया साइड में बिल्कुल। ये नहीं कि भैया मतलब क्या चीज़ लगा लिया, अगर कल को कि मेरे जगह की दिक्कत हो रही तो आप बूफर आराम से निकाल के खुद भी आप घर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात रही बूफर लगाने की, तो मैं बूफर लगाने के तरीके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बूफर भी खुद भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि मेरे पास आने की जरूरत है आप लोग को। तो मैं आपको बूफर भी दिखा देता हूँ, जो हमारा बूफर है, ये बूफर भी हमारा बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। तो हमारा जो बूफर की है, बूफर के लग गया आपकी जैक, ये बूफर की जैक लग गई, ये हमारे RC लीड लग गई,
और ये हमारा, ये लग गया आपका कंट्रोलर, जो कंट्रोलर की तारें लग गए, ये बिल्कुल हमारे डिक्की के अंदर बॉक्स आ गया। हम कर देते हैं डिक्की को बंद और फिर दोबारा चलते हैं हम आगे। सब ऊपर के आप लोगों को दिखाई दिया, बिल्कुल प्लेगन प्ले है, मतलब कोई नहीं कि भैया कोई रिक्स है कि वो चीज़ है। और पीछे के आप लोगों को मैं कोएक्सियल स्पीकर नहीं दिखाया था, वो भी दिखा देता हूँ। ये पीछे भी हमने डंपिंग, डबल हेड डंपिंग करी थी, और ये हमारे रहते हैं कोएक्सियल स्पीकर जो ओचे सीरीज का ही है, ये आप लोग देख सकते हैं। कोएक्सियल स्पीकर के मतलब है कि आपका मिड बेस है कि टूटर हो गया। फर्क ये है इसके अंदर की वजह आप टूटर के लोकेशन चेंज नहीं कर सकते कि टूटर ऊपर चाहिए, मतलब जैसे कि टूटर की जो हमारा लोकेशन है, जैसे कंपोनेंट होता है वो टूटर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ लगाना चाहिए। लेकिन जो कोएक्सियल है इनके साथ में स्पीकर टूटर है, तो इसको हम इसको सेटिंग नहीं छेड़ सकते टूटर की, तो हम इसलिए कहते हैं कोएक्सियल स्पीकर। और कंपोनेंट जो होते हैं थ्री वे जो होते हैं, वो आपको जहाँ मन करे वहाँ अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। ये आपको फ्रंट ईयर की दिखा दिया, अब आप लोग को मैं डोर बंद करके फिर सारा आउटपुट सुनाता हूँ कि इसमें आउटपुट आने वाले क्या है, सब वूफर का भी और स्पीकर का भी। तो आप डोर वोर बंद करके फिर मैं आप लोग को आउटपुट सुनाता हूँ। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि मतलब सारा डोर हम पैक कर दिए, पूरी गाड़ी हमारी पैक है। और जो आपको, आप लोगों को बताया था कि एयरटेल एमली फाइनेंशियल डीएसपी में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो स्क्रीन पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैनल तक हमारा रहता है स्पीकर की सेटिंग, और 9 चैनल आ जाता है हमारा सबवूफर की सेटिंग। इसके सारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये सारा मतलब जो हमारे नेचुरल डीएसपी लगा है उनका सारा डिस्प्ले आपके यहाँ आ जाती है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, गेनिंग ओनिंग सारा चीज़ यहीं आ जाता है, यहाँ से आप सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। आप लोग को, आपको सुनाता हूँ मैं आउटपुट कि इसमें कैसे आवाज़ आई है। काफ़ी अच्छा आ गया, मतलब जो चीज़ हमें था, मतलब कोई किसी तरह से आवाज़ नहीं आ रही, जितने हमारे भैया परेशान थे उस हिसाब से उतनी अच्छी आवाज़ आई है। तो मतलब काफ़ी आउटपुट, मतलब किसी का मतलब हो कि भैया आप मुझे एम्पलीफायर कम लगाना है, आउटपुट अच्छी चाहिए, तो आप लोग 8.9 लगा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ऑडिशन का, सारा मैंने इसके अंदर ऑडिशन ही सेटअप किया है। तो आप लोग वीडियो में आपको लोगों को आउटपुट के पता पड़ जाएगा, मतलब NCS में उतनी क्वालिटी का तो नहीं पता पड़ता है, लेकिन तब भी आपको एक एवरेज मिल जाता है कि भैया आउटपुट बेटर आ रहा है। तो आप लोग वीडियो देखना जरूर बताना। आप वीडियो करते हैं, जय श्री राम।